नमस्कार दोस्तों, द सीक्रेट नॉलेज में आपका स्वागत है। हम सब ने इतिहास के बारे में जरूर सुना या पढ़ा होगा, परंतु इतिहास कुछ सालों का होता है। जब हम हजारों साल पहले के जीवन को जानने की कोशिश करते हैं तो हम उसे नाम देते हैं सभ्यता। इस विश्व की दो सबसे पुरातन सभ्यता रही है, पहली सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में थी और दूसरी मिश्र की सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं ने कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं। इन्हीं में सबसे बड़ा रहस्य है मिश्र के ये पिरामिड। ये पिरामिड दुनिया के अजूबों में शुमार है। हम सब ने 7 अजूबों के बारे में पढ़ा या सुना होगा। इन सभी की विशेषताएं हैं, परंतु ये एक ऐसा अजूबा है जिसकी विशेषता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे हम आधुनिक हो रहे हैं वैसे ही इसके नए रहस्य जन्म लेते जा रहे हैं। आइए मैं और आप आज इसके सबसे बड़े रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। इन पिरामिड की खोज में ये पता चला कि इन्हें लगभग 4000 वर्ष पहले बनाया गया था और उस वक्त मिश्र की सभ्यता अपने अद्भुत जीवन को जी रही थी। परंतु इस पिरामिड को बनाने का उद्देश्य आज तक वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए हैं। साथ ही सबसे बड़ा रहस्य इसकी बनावट का है। बिना किसी उन्नत उपकरण और मशीनों के इसे बनाना असंभव है। इसकी एक पिरामिड में 23,00,000 पत्थरों का प्रयोग किया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इन 23,00,000 पत्थरों में हर पत्थर का वजन 2000 किलो से 70,000 किलो तक है। अगर हम आज की सबसे बड़ी विशाल क्रेनों की मदद से भी इसे उठाने का प्रयास करें तो आज की सबसे बड़ी क्रेन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने में उपयोगी साबित होती हैं, वो भी 20,000 किलो से ज्यादा भारी सामान नहीं उठा सकती। तो आज से 4000 साल पहले ये कैसे संभव हुआ? क्या इसके पीछे कोई और दूसरी दुनिया के लोगों का हाथ है? इस पिरामिड की विशेषता ये है कि जिन पत्थरों से इन पिरामिड को बनाया गया वो पत्थर इस दुनिया में कहीं नहीं पाए गए। तो इतने भारी और बड़े पत्थरों को कहां से लाया गया? वैज्ञानिकों ने कई बार इसमें शोध किए और पाया कि इन पिरामिड को उस वक्त बनाना असंभव था, क्योंकि इन पिरामिड को बिना ऊपर से देखे इन्हें परफेक्ट बनाना असंभव है। और उस वक्त ना ही ड्रोन, ना ही कैमरा और ना ही विमान हुआ करते थे, तो इन्हें कैसे इतने परफेक्ट तरीके से बनाया गया? वैसे तो पिरामिड अपने अंदर कई रहस्य रखते हैं, परंतु कुछ रहस्य जो हम खुद देख सकते हैं। इन पिरामिड को रात में देखने में पता चलता है कि इनके ठीक ऊपर 3 तारों का एक समूह है जो इन पिरामिड को एक साथ दिखाई देता है। ये पिरामिड आसमान के कॉन्स्टेलेशन यानी तारों के एक नक्षत्र के साथ मिलते हैं जिसका नाम ओरियन बेल्ट है। कहा जाता है कि इन पिरामिड को बनाने वाले परग्रही जिन्हें हम एलियन भी कहते हैं, वो इन्हीं 3 तारों के एक समूह से आए थे और उन्होंने इस पिरामिड को एक स्मारक के रूप में बनाया ताकि उस वक्त के लोग उन्हें याद कर सकें। हम ये बात नहीं जानते कि इन्हें इंसानों ने बनाया या परग्रही एलियंस ने, परंतु इस पिरामिड और तारों के इस समूह का कुछ न कुछ संबंध अवश्य है। पिरामिड के बड़े रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य यहाँ की सुरंग का है। इन पिरामिड में कई सुरंग पाई गई हैं जो काफी बड़ी हैं और इनमें कई कमरे भी बनाए गए हैं। कई वर्षों से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इन पिरामिड को राजा की कब्र के रूप में बनाया गया था, परंतु आज तक इनमें से एक भी कब्र राजाओं की नहीं मिली है। इसका मतलब ये किसी और ही मकसद के लिए बनाए गए थे। इस पिरामिड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही रहता है। याद रखिए, हम आज से 4000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं और ये सोचना भी उस वक्त कई सवाल खड़े कर देता है कि उस वक्त इतनी उन्नत सभ्यता आई कहां से। आप सब ने जब कभी इन पिरामिड को देखा होगा तो इस शेरनुमा आकृति को जरूर देखा होगा।
ये हजारों वर्षों से रेत के नीचे दबी आकृति थी क्या? साल 1900 में इसे खोजा गया। इसका एक रहस्य है कि 21 जून जिस दिन संपूर्ण वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, इस दिन आप अगर पिरामिड को देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। पिरामिड के ठीक बीच में इस शेर की आकृति के पीछे सूरज डूबता दिखाई देगा। ये आकृति आधी इंसान और आधी जानवर की तरह दिखती है। आखिर ये आकृति कौन है और किसने इसे इस प्रकार बनाया था, कोई नहीं जानता। इसके नीचे भी कई सुरंग वैज्ञानिकों को मिली हैं, परंतु आज भी इस पिरामिड के रहस्य बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस धरती का केंद्र बिंदु यानी सेंटर ये पिरामिड है तो आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज से 4000 वर्ष पहले जब लोग इस पृथ्वी को चपटी या फ्लैट मानते थे, उस वक्त इन पिरामिड को आज के पृथ्वी के सेंटर में किसने बनाया और किसने उस वक्त केंद्र बिंदु को ढूंढने में मदद की? पिरामिड को कई रहस्यों का जाल इसीलिए कहा जाता है। दोस्तों, इस जगह एक मंदिर भी है जिसे डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इस मंदिर को पूरी तरीके से सन 1850 में खोजा गया था, जो पूरी इजिप्ट का सबसे रहस्य मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर में आपको ऐसी आकृतियां मिलेंगी जो आपके अंदर कई सवाल खड़े कर देगी। जैसे आप इस बल्ब की आकृति को देख सकते हैं जो किसी पावर जनरेटर से जाके मिलती है। ऐसा लगता है मानो उन लोगों ने बल्ब का प्रयोग भी किया था और उसे वो रात में अपने उपयोग में लाते थे। इस मंदिर में कई जगह पे स्पेस शिप यानी उड़न्त स्तरी, कई विमान, हेलीकॉप्टर या स्पेस सूट जैसी कई आकृतियां बनी मिली हैं। यहां तक कि आज भी इन आकृतियों को नहीं खोजा गया है। आज भी वैज्ञानिक इन आकृतियों के रहस्य को पता कर रहे हैं कि आज से 4000 वर्ष पहले इतनी उन्नत आकृतियां किसने बनाई, आखिर उन्हें कैसे पता था कि भविष्य में हेलीकॉप्टर या विमान जैसी कोई ऐसी चीज दुनिया में स्थापित भी होगी। इन आकृतियों से ये बात तो पता चलती है कि मिस्र की सभ्यता न केवल उन्नत थी, यहाँ तक कि वे लोग दूसरे दुनिया में रह रहे एलियन सभ्यता से जुड़े हुए थे, जिनके कई सबूत जीवित रूप से मिले हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। हम ऐसे ही रोचक तथ्य लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।